फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे। यहाँ पे देख सकते हैं कटनी का ये मुड़वारा स्टेशन है और यहाँ पे री डेवलपमेंट का काम चल रहा है। स्टेशन को और अच्छा किया जा रहा है अभी। और आप साथ देख सकते हैं सामने है KGS प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। यहाँ पे पियर और पियर कैप रेडी हो चुका है और सामने पियर के लिए गेज बांध दिया गया है। उसके आगे एक अभी पाइल कैप बांधी है और यहाँ पे ग्लडर वगैरह रख दिया गया है एरेक्शन करने के लिए। और आगे देख सकते हैं ये पूरा काम आगे भी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउटिंग वगैरह कर दी गई है पियर के ऊपर, जहाँ पे टेम्पलेट फिक्स किए जाने हैं। आप जहाँ देख रहे हैं चार, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार यहाँ पे टेम्पलेट है और दो गाइड बेयरिंग है, और जिसमें एक गार्डर पूरा स्पैन रखा जाना है। स्पैन की टोटल लंबाई देख सकते हैं, ये लंबाई टोटल लंबाई इसकी है, ये करीब 25 मीटर की होने वाली है। और इसी प्रकार से आगे पूरे गार्डर रखे जाएंगे। और जिस एरिया पे हम हैं वो अभी हमने बताया आपको कि ये कटनी का मुड़वारा स्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डर का संभल किया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे गार्डर स्पैन लाए जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये 8-8 मीटर के और 10-10 मीटर के स्पैन लाए जाते हैं और यहाँ पे असेंबल किया जाता है। असेंबल करके यहाँ पे फिक्स कर दिया जा रहा है। और ये कटनी का पूरा मुड़वारा स्टेशन है, देख सकते हैं कितने लंबे एरिया पे बना हुआ है। और इसके बगल में KGS प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। वहाँ सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का, जो ये वाइट कलर की जो पूरा रोड टाइप का बना हुआ है, ये KGS प्रोजेक्ट का डेक स्लैब है। और यहाँ पे डेक स्लैब का काम कम्प्लीट हो चुका है अपलाइन का, और यह डाउन लाइन अपलाइन और डाउन लाइन मिला के टोटल 34 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होने वाला है। इस पीढ़े पूरे KGS प्रोजेक्ट का काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर कंपनी, जो कि इसका क्लाइंट इरफान है। और ये प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट हो जाएगा December 2024-25 तक। जिस पे उनको जॉब वगैरह की जरूरत हो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे। और इसका मेन ऑफिस है NKJ पराडिया में L&T जियो स्ट्रक्चर का, और इरकान का मेन ऑफिस है झिझरी में। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हाइड्रा खड़ा हुआ है वहाँ पे पूरा डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है। और वो है अपलाइन, ये है डाउन लाइन। सामने आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा फ्लाई ओवर, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश में इतना ऊँचा फ्लाई ओवर कहीं नहीं बना है अभी तक। और इसके नीचे से जाएगा ये KGS प्रोजेक्ट का फ्लाई ओवर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पियर की हाइट, तो उसके नीचे से जाएगा। उसके नीचे ट्रैक है, ये जो नॉर्मल ट्रैक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मुड़वारा स्टेशन का ट्रैक है। ट्रैक के नीचे से है सागर पुल, यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा होने वाला है। जिस ब्रिज पे हमें ये जाता है 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर प्लेटफार्म को और 5 नंबर 6 नंबर प्लेटफार्म को, इससे आप पूरे प्लेटफार्म में जा सकते हैं। ये ब्रिज जाता है सीधे बाहर से, यहाँ पे देख सकते हैं पियर और पियर कैप का काम चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के।